नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कई अधिकारियों को नए प्रभार सौंपे गए हैं तो जिम्मेदारी भी दी गई है। मीनाक्षी सुंदरम को सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। विनोद कुमार की अगर बात की जाए तो विनोद कुमार सुमन को भी अतिरिक्त प्रभार। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है जिसके तहत 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें से कई अधिकारियों के प्रभार बदल दिए गए हैं तो कई को नई जिम्मेदारी भी दी गई है। तो आदेश के मुताबिक जहां सीएम के सचिव मीनाक्षी सुंदरम को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तो वहीं पर कई अधिकारियों के प्रभार में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा विनोद कुमार सुमन को सचिव सचिवालय प्रशासन सामान्य प्रशासन एवं प्रोटोकॉल से अब मुक्त कर दिया गया है और उन्हें सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले सचिव दीपेंद्र चौधरी ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। प्रभाव से नए प्रभार संभालने का आदेश भी जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, किसे कहां तैनाती, क्या जिम्मेदारी? बिल्कुल, देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है, जिसमें आर मीनाक्षी सुंदरम के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। रणवीर सिंह चौहान को पेयजल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कृषि विभाग की अगर बात करें तो कृषि विभाग में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको चार्ज दिया गया है। तो आईएएस अधिकारियों के 6 आईएएस अधिकारियों को फिलहाल मुख्यमंत्री ने कार्य क्षेत्र में बदलाव किया, लेकिन अभी लिस्ट अभी आनी बाकी है, चूंकि आईपीएस और आईएएस की लिस्ट अभी आनी बाकी है, जिसमें कई ऐसे आईएएस हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस हैं, जिनको जो महत्वपूर्ण विभाग है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो पीसीएस अधिकारी हैं उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जाएगा, चाहे वो पंचायती राज को लेकर के हो, चाहे वो समाज कल्याण को लेकर के हो। तमाम ऐसे विभाग हैं आजल जिस जो मुख्यमंत्री जिनपे बदलाव करेंगे। साथ ही साथ जो आईएएस अधिकारी हैं, जो सीनियर मोस्ट है, चूंकि 2 से 3 दिन पहले अभी 3 से 4 आईएएस अधिकारी थे जो प्रतिनियुक्ति पे गए थे, जिनको पदभार दिया गया है उत्तराखंड में, तो हो सकता है कि जो प्रतिनियुक्ति पे गए हैं दोबारा उत्तराखंड कैडर पे आ सकते हैं, तो उनको भी कोई ना कोई चार्ज दिया जा सकता है। तो ये अभी फिलहाल 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले चूंकि किए गए हैं और कार्य क्षेत्र में इनके बदलाव भी किए गए। ठीक है अनुज, देखिए जब ये तबादले किए गए तो साथ ही एक आदेश भी जारी किया गया और कहा गया कि तत्काल प्रभाव से सभी अपने कार्यभार को संभाल ले। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल प्रभाव से इस बात को बोला कि जो जिसके विभाग हैं उन विभागों को वो तत्काल प्रभाव से ज्वाइन कर ले, क्योंकि केंद्र सरकार की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते और बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में मैदान और पिच को तैयार किया जा रहा है। उसके बाद भल्ला कॉलेज मैदान में 40 से 50 हजार ऑडियंस के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इन दिनों भल्ला कॉलेज मैदान में काम जोरों शोरों से चल रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए एचआरडी उपाध्यक्ष अंशुल सिंह यहां पहुंचे। एचआरडी उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने ये बताया कि हरिद्वार में खेल प्रतिभाओं को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का प्रशिक्षण मिल सके, इसके साथ ही हरिद्वार में बड़े मैच हो सके, इस उद्देश्य से स्टेडियम का विस्तार किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्टेडियम का फायदा खेलों में के विकास और खिलाड़ियों को भी मिल सकेगा। 15 मार्च से पहले ये ग्राउंड बन करके तैयार हो जाएगा, ये भी एचआरडी की तरफ से कहा गया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडित जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरीके से, किसने जोरों शोरों से स्टेडियम का कार्य चल रहा है? हालांकि सरकार इसको लगातार बढ़ावा दे रही है। हरिद्वार में भी बड़े मैच हो सके इसके लिए एक बड़े मैदान तैयार किया जा रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही यहां पर जो क्रिकेट मैच है वो हो सकेंगे। 40 से 50,000 जो ऑडियंस है वो इस मैदान में बैठकर यहां मैच का आनंद ले सकेगी। इसके साथ साथ एकेडमी ने ये पहल कर दी है और मार्च से पहले इस मैदान का उद्घाटन किया जाएगा। तमाम जो तैयारियां है वो जोरों पर है। हालांकि खुद जो एकेडमी के उपाध्यक्ष है अंशुल सिंह, वो लगातार इसका मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, किसी भी तरह की कमी ना हो इसको बारीकी से परख रहे हैं। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि खेल के प्रति जिस तरह से हरिद्वार के युवा है, उत्तराखंड के युवा है, वो उत्तराखंड में ही नहीं देश में नाम रोशन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार लगातार युवाओं के भविष्य को देखते हुए तमाम आगे प्रयास कर रही है और उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो लगातार सरकार के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल संजय, और ये भी जानकारी मिल रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले DPR तैयार करके आगे भेज दिया जाएगा। देखिए, लगातार ही मार्च का लक्ष्य है, मार्च माह में ये पूरी तैयारियां हो जाएगी, मार्च के महीने में इस बड़े मैदान का उद्घाटन हो जाएगा। हालांकि अभी तक हरिद्वार जिले में छोटे मैच हुआ करते थे, यानी जो कम की संख्या है, जो युवा कम यहां पर बैठ सकते थे, लेकिन अब इस मैदान में बड़ी संख्या में युवा खेल सकेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ पर जो मैदान है उसके खेलने के लिए तैयार किया जा रहा है, किसी भी तरह की कमी ना रहे इसके लिए तमाम यहां पर मुआयना किया जा रहा है। हालांकि जो यहां पर पिच तैयार की जा रही है, यानी जो क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों को, युवाओं को यहां एक पिच बनानी होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं राजस्थान के अलवर से मिट्टी भी मंगाई गई है, यानी किसी भी तरह की कमी ना रहे इसका बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल संजय, बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है कि कोई कमी ना रह जाए और इसके लिए काम भी चल रहा है। लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है वो लोकसभा चुनाव से पहले का रखा गया, 15 मार्च की डेडलाइन दी गई है कि 15 मार्च तक तैयार हो जाएगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल कितना काम हो चुका है मैदान में? देखिए, लगातार ही अगर बताएं, लोकसभा चुनाव इस साल में होने हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव में समय बहुत कम रह गया है। इसी को देखते हुए HRDA ने एक लक्ष्य रखा गया है कि लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले या उनकी तारीख तय होने से पहले इस पिच को यहां पर तैयार किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी जो मैदान है वो पूरी तरीके से खाली कर दिया है और जो इसमें कमियां थी उसे दूर करने का काम कर दिया जा रहा है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल की जो नियम होते हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल मैच होते हैं, बड़े मैदान होते हैं, उन सब नियमों को यहां पूरा करा जा रहा है। ठीक है संजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से मैदान में काम जोरों शोरों से चल रहा है, कितने लोगों के बैठने की वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है और किस उद्देश्य के साथ ये स्टेडियम बनाया जा रहा है? क्योंकि कोई भी चीज जब हम निर्माण करते हैं, एक दिमाग में उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, तो क्या उद्देश्य है? देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो अभी तक हरिद्वार में 5 से 10 हजार युवा ही इस ग्राउंड में प्रतिभाग कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से विकास प्राधिकरण ने एक लक्ष्य रखा है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 40 से 50,000 जो ऑडियंस होंगे वो यहां पर बैठकर मैच देख सकेंगे और बड़े लेवल के जो मैच है वो यहां पर हो सकेंगे। हालांकि इसको लेकर पूरी तरीके से कवायद शुरू कर दी है और जल्द से जल्द इस बड़े ग्राउंड का उद्घाटन भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतिम चरण में है। इस बीच चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर मार्केट में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस यात्रा में जनपद में 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है, साथ ही 80,000 से अधिक लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रतिज्ञा ली है। इसके अलावा 21,000 से अधिक लोगों को इस यात्रा में लाभ मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयुष्मान भारत, आधार कार्ड कैंप, स्वास्थ्य शिविर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ के लिए कैंप भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि विभागीय कैंप में जनमानस को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। पर हमारे जनपद चमोली में करीब 610 ग्राम पंचायतें थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी योजना पूर्ण हो चुकी है और शहरी क्षेत्र में 9 नगर निकाय में भी योजना पूरी हो गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा की। इसके तहत करीब ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया है और 80,000 से ऊपर लोगों ने विकसित भारत का शपथ ग्रहण किया है। और साथ ही जो मेन उद्देश्य योजना का यह था कि विभिन्न स्कीम्स में हम सैचुरेशन अटेंड करें, लोगों को लाभ दें। इसके तहत करीब 23,000 से अधिक लोगों का टीवी के लिए स्क्रीनिंग किया हम लोगों ने
और करीब 2000 से अधिक हमने आयुष्मान कार्ड जारी करे मौके पर। उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन अंबावता 22 जनवरी को हरिद्वार समेत सभी जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन कर किसानों की मांगों के संबंध में ज्ञापन देगी। किसान आंदोलन की तैयारी में जुटे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान चौधरी ऋषिपाल ने यह भी कहा है कि गन्ना भुगतान नहीं होने के कारण किसान आंदोलन की तैयारी कर रहा है। आज बैठक में निर्णय लिया गया कि 22 जनवरी को जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करके तालाबंदी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों की समस्या सदन में प्रमुखता से उठाई जा सके, इसके लिए किसान प्रतिनिधियों का चुना जाना जरूरी है। तो उधर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के विकास कार्यों को लेकर के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में 144 करोड़ की लागत से बनने वाली मसूरी यमुना पेयजल योजना को तय समय पर पूरा ना होने को लेकर के जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। तो वहीं पर मसूरी में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मसूरी पहाड़ों की रानी है और मसूरी की खूबसूरती और वातावरण को संरक्षित किया जाना हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को मसूरी में अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही टैक्सी स्कूटी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मसूरी को पहाड़ी की रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और पुष्कर सिंह धामी जी की के नेतृत्व में हमारी सरकार इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मसूरी की पेयजल योजना, वो साकार होने जा रही है। शीघ्र ही उस योजना को हम यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे और उस पेयजल योजना के बनने के बाद आने वाले 35 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज की बात कही है। अल्मोड़ा पहुंचे भगत सिंह ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से पूरी देश दुनिया में खुशी की लहर है, मोदी है तो मुमकिन है का नारा बोलते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने राम राज आने की बात कही है। राम मंदिर पर विपक्ष पर बोलते हुए भगत सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार के खिलाफ बोलना है, तो वहीं पर लोकसभा चुनाव के सवाल पर राजनीति विषय पर बयानबाजी के बचने की बात भी कहते हुए भगत सिंह की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार की बंपर जीत होगी और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। ये भी कोई पूछने की बात है क्या है? सारा देश खुश है, सारी दुनिया खुश है, राम मंदिर बन रहा है, है? ये तो एक प्रकार से राम राज्य लाने का शुरुआत हो गई है। विपक्ष का काम क्या है? सरकार की तारीफ करना है क्या? पत्रकारों का काम क्या, मीडिया का, हम लोगों का, आपका? अब तो मैं मीडिया में आ गया हूँ, सरकार की तारीफ ही तारीफ करना है क्या है? जहाँ कमी है आप लिखते हो यहाँ खड्ड पड़ गया, यहाँ फड़ा हो गया, यहाँ बोलते हो कि नहीं? विपक्ष का काम और मीडिया का काम तो बोलना है, बोलेंगे। जनता जो बोलते है उसको बोलो, जनता बोलते कि मोदी है तो सब मुमकिन। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर से पहले रुड़की CBRI के वैज्ञानिकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका के बारे में जानकारी दी है। वैज्ञानिकों ने ये बताया कि मंदिर के निर्माण में सरयू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सरयू का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है। सबसे खास बात यह है कि जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है उसमें कहीं पर भी पूरे मंदिर में सरयू का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को जोड़ करके अनोखे स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। इस निर्माण के दौरान मंदिर की नींव में सेंसर भी लगाए गए हैं ताकि भूकंप जैसी आपदाओं से मंदिर को बचाया जा सके। इसके अलावा
सेंस स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि मंदिर के स्थिति की निगरानी की जा सके। मंदिर की उम्र 1000 साल निर्धारित की गई है। मंदिर के निर्माण में रुड़की CBRI के अलावा देश की 5 IIT के वैज्ञानिकों से भी सलाह ली गई थी। मंदिर में सूर्य के प्रकाश पड़ने से लेकर के जगह जगह मूर्तियों को स्थापित करने में भी CBRI की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है, वो CSIR का एक अंग है। सो वन ऑफ द लेबोरेटरीज ऑफ CSIR। तो हमने ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके हमने 5 जिम्मेदारियां ली हुई हैं एक प्रोजेक्ट के तौर पर। तो पहला है जो मेन जो टेंपल है उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वो CBRI ने किया है, और दूसरा जो सूर्य तिलक का जो डिज़ाइन मैकेनिज्म है वो भी CBRI कर रही है, और जो स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन डिज़ाइन वेटिंग CBRI ने। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।